अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी जो है ना सुबह के 11 बज रहे हैं और घर वाले जो है ना वो सारे के सारे चले गए हैं शहर। असल में हमारी जो है ना रिश्तेदारों में आ गई है शादी, और शादी है कल जो कि इतनी ज़्यादा करीब है। और ये है कि शॉपिंग वगैरह इस बार किसी ने कुछ भी नहीं की थी, वो जो है ना असल में पहले सोच रहे थे कि कौन कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्योंकि एक होता है ज़्यादा जो है सब ज़्यादा करीब की शादी होती है, फिर तो ये होता है पूरी की पूरी फैमिली जाती है। लेकिन ये भी असल में एक है तो करीब के रिश्तेदार ही, लेकिन ना सारे हम लोग नहीं जाएंगे। ये कि अब बड़े बड़े जाएंगे, अब्बू अम्मी और सिस्टर भी हो सकता है शायद जाएँ। तो अभी जो है ना फिरोज़ अम्मी को और सिस्टर को लेके चले गए हैं मार्केट। उन्होंने जो है ना दवाई भी लेनी थी, सिस्टर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो जो है अपनी दवाई लेंगी, और जो है ना साथ में उन्होंने करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग शादी के लिए, तो वो जो है ना अभी चले गए हैं शहर। और घर में अब कोई भी नहीं बचा है, घर में जो है ना मैं अकेली हूँ और मेरे बच्चे हैं। सुहान अभी सोया था और मैंने लगानी है मेहंदी बच्चों को। चच्ची के बच्चे जो है ना वो आके बैठे हैं, उन्होंने कहा भाभी मुझे मेहंदी लगा दो, ये कि कल शादी और शादी में जाना है। वैसे बहुत शादी होती है बच्चों की, ये बच्चों की जो है ना एंजॉय करना होता है, मेहंदी लगानी होती है, बड़े खुश हो बहुत खुश होते हैं बच्चे। तो मैंने कहा ठीक है अभी जो है ना सब चल जाएंगे ना तो मैं आपको मेहंदी लगाती हूँ। सुहान तो वैसे भी सो रहा है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया, मैंने कहा मैं कोई प्रोफेशनल पार्लर वाली तो हूँ नहीं जो मुझे आपको अच्छी मेहंदी लगानी है। क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ था मैंने किसी बच्चे को मेहंदी लगाई थी, और वो ना आपको पता है मैं बस गुजारे लाई लगाती हूँ, वो उस बच्चों को पसंद नहीं आई, तो वो जो है ना वहीं पे रोने बैठ गई बच्ची जो थी ना। तो मैंने इनको पहले बता दिया, मैंने कहा मैं कुछ जैसी भी तरीका आएगा ना मैं लगा दूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको जो है ना पसंद है। तो चलें पहले उनको मेहंदी लगाते हैं और बाकी ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं कि बच्चों को मेहंदी पसंद आती है या नहीं। बच्चे बैठे हैं अंदर, तो अंदर ही चलते हैं। सुहान सो रहा है, बस जल्दी जल्दी से उन्हें मेहंदी लगा लेते हैं। अभी जो है काफ़ी देर के बाद मैंने यहाँ पे जो मेहंदी लगा ली है, और इन इसके मैंने आगे भी लगाई है मेहंदी। इनकी जो है ना असल में कल शादी है ना, तो इसको शौक़ था कि मुझे जो है चारों हाथ पे लगाओ, बस जैसा तरीका मुझे आया मैंने लगा दी है। और अब जो है कैसी लगी है ये इनसे पूछते हैं। हाँ जी कैसी लगी है? बहुत अच्छी। मैंने तो मार दिए कीड़े मकोड़े जैसे मुझे आते थे तरीके। राजी हुई? चलो ठीक है, अब जाओ जाके जो है खाना वाना खाओ, मम्मा ने पका लिया होगा। और सुहान यहाँ पे सो रहा है। हानिया जो है, हानिया भी कह रही है मुझे मेहंदी लगाओ। हानिया आपको भी लगाऊ? हाँ। हानिया को भी यहाँ पे मैंने एक हाथ पे लगाई थी, लेकिन इसने उसी वक्त जो है ना फूल खराब कर दिया है। ये देखिए इतना प्यारा सा फूल मैंने बनाया था और इसने खराब कर दिया है, ये नहीं लगाती। जी पिछले मेरे पीछो आपने मेरे कपड़े पे लगा दिए। हाँ। अच्छा अब क्या चाहिए आपको? दूध पीना है, भूख लग गई मेरी बेटी को। अच्छा चलो मैं आपको फीडर बना के देती हूँ, ठीक है? शोर नहीं करना भैया, उठ जाएगा नहीं तो। सुहान उठ गया है, और उठते ही पहले तो इसने मेरे साथ बर्तन धुलवाए, और बर्तन इसने ऐसे धुलवाए कि मैं बर्तन धो रही थी और ये जो है ना चूल्हे में खेल रहा था। तो इसने अपने छोटे छोटे से जो हाथ है ना, हाथ मुंह और कपड़े सारे के सारे काले कर लिए थे। तो अभी जो मैंने इसको कपड़े पहना दिए। हाँ आज आपको उठाने वाला कोई नहीं है। अच्छा मैं उठाती हूँ, आजो आजो आजो। कहाँ जाना है? बाहर जाना है। बहू किधर है? बहू अभी जो है ना दूध बॉयल होने मैंने रख दिया था बर्तन धोने से पहले ही, तो सुहान को मुझे ऐसे ही बिठा के जो दूध बॉयल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसे नीचे छोड़ा तो यही है कि ये चूल्हे भी बुझा सकता है और भी शैतानियां आपको पता है शरारतें काफी होती हैं, तो वो भी कर सकता है। इससे बेहतर ही ये कैसे जो आज मुझे उठाना पड़ेगा, ठीक है? मैं जो जल्दी जल्दी से दूध बॉयल कर लूँ ना फिर इसे खिलाऊंगी, ठीक है? हाँ क्या चाहिए? नीचे जो है ना माचिस की तीलियाँ पड़ी हुई हैं, तो कह रहे हैं मुझे चाहिए। दूध बॉयल कर लिया है और सुहान जो ना वो घर में बैठ बैठ के थक गया है, क्योंकि असल में बच्चा होता है वो जितने भी घर के अफराद हो ना उतने सब मिलके खिलाना तो वो फिर भी कम है। तो अभी जो है ना मैंने सोचा इसको जो है ना बाहर थोड़ा राउंड लगवा देती हूँ, और राउंड लगवाने के साथ साथ ना इसको चच्ची के घर पर दे आती हूँ, क्योंकि चच्ची के घर पर तो सब हैं, वहाँ पर बच्चे भी हैं, तो ये कि थोड़ी देर इसका दिल लगा रहेगा और चच्ची के साथ ये और चच्ची के बच्चों के साथ ना ही खेलता रहेगा सुकून से। और फिर ये कि तब तक जो मेरे एक दो काम है ना तो वो भी हो जाएंगे आराम से, ये भी नहीं रोएगा और मेरे काम भी हो जाएंगे, और फिर मैं जाके से ले आऊँगी, ठीक है? चले वो कहते हैं बाहर चलो, हर चीज़ का जो कहते हैं बा। यहीं पे जो है सामने चची का घर है, और तो अभी इसे यहाँ पे दे आते हैं
यहाँ पे ये के सारे ना, तो ये सुकून से खेलेगा। सुहान को छोड़ दिया है मैंने, कहा चची को कि आप जो ना थोड़ी सी देर इसका ख्याल करना, इसे खिलाना, मैं जो है बस 10 से 15 मिनट में ना अपना काम ख़त्म कर लूँगी जल्दी जल्दी से, और फिर इसे ले जाऊँगी। काम तो मेरा कुछ नहीं है, आपको पता है मैंने बर्तन धो लिए हैं, और मेरे 2-3 काम होते हैं सिर्फ, तो वो मैंने कर लिए हैं। ये कि मैंने नहाना है, और नहाने के साथ साथ ना मशीन में से कपड़े धोने, मैं मशीन में डाल देती हूँ और फिर जैसे ही टाइम मिलता है ना निकाल के जो है ना घाल के वहाँ पर डाल देती हूँ। हमारी जो रस्सी तो है ही नहीं, पहले यहाँ पे पेड़ होता था तो उसमें जो है हमने रस्सी बांधी हुई थी, तो उसके ऊपर हम लोग कपड़े डाल देते थे। तो अब जो है ना, अब हमारी ये बिचारी दीवार आके बची है, वो जो साथ वाली चची है ना वो भी यहीं पे डाल देती है अगर उनके एक्स्ट्रा कपड़े ज़्यादा हों, तो हम भी यहीं पे डालते हैं। ये कि मेरे थोड़े से कपड़े तो वो मैं धो के यहाँ पर डाल देती हूँ, धूप फिर से काफ़ी हो रही है। रोज़ लेकर आए थे, सब्जी में आलू गोभी, और आलू गोभी पकाते पकाते मुझे हो गई रात, काफ़ी जो अंधेरा हो गया, और वहाँ पे जो है ना तंदूर जलाया हुआ है तो तंदूर का धुआं है। आलू गोभी मैं यहाँ पका रही हूँ, अम्मी वापस आ गई हैं तो अम्मी जो है वहाँ पे जो है रोटी पकाएंगी। ये कि आलू गोभी तैयार हो गई है बस, और मैं जो यहीं पे इसे दम पे घर, और मैं जो इसे यहीं पर दम पे रख के जा रही हूँ अंदर, अंदर जो है ना बच्चों को देखती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो वो तो बाकी जब सब खाएंगे तभी पता चलेगा कि उन्हें पसंद आती है या नहीं। सालन जो है पका लिया है, और सुहान को जो है अम्मी ले गई, अम्मी जो है ना सारा दिन नहीं थी तो सुहान जो है ना उनको मिस कर रहा था। अम्मी जैसे ही आई ना तो वो उनकी गोद में चढ़ गया, और अभी जो है ना वो उन्हीं गोद में, तो अम्मी जो है बाहर ले गई, अम्मी ने कहा चलो मैं जो है ना दादी से भी मिल के आ जाती हूँ और इसे भी थोड़ा सा घुमा के ले आती हूँ। तो अभी जो है ना मैं जैसे ही कमरे में आई ना सालन पका के, तो मैंने देखा हानिया जो है ना टूरने, ये देखें यहाँ पे हानिया को, हानिया जो है ना बाहर खेल रही थी, मिट्टी खा रही थी, तो मैंने कहा आप जो है ना बस करो अंदर लेट जाओ, इसको मैंने मोबाइल लगा दिया था, मोबाइल जो है ना, और तो इसको जो है ना मैंने वो लगा दिया था मोबाइल, मैंने कहा आप जो है ना यहाँ पे कार्टून देखो, और इस बेचारी को जो है ना कार्टून देखते देखते नींद आ गई, बेचारी थक गई थी, अब सुकून से सो गई है। चलो ये कि थकान उतर जाएगी थोड़ी बहुत, जितनी भी इसने नींद करनी है ना वो कर लेगी। और अभी जब मैं आई ना तो इसका फ़ोन भी यहीं पे चल रहा था, अभी जो इसको मैंने बंद करके रखा है, इसको कोई पता नहीं है कि मैंने फ़ोन बंद करना था या नहीं, बस इसे ऐसी की ऐसी नींद आ गई। तो अभी जो है ना इसे दूध भी लाती हूँ, जो है सो रही है, भूख लगी होगी इसे, और मैं जो है ना फिर उसको बुला के लाती हूँ। वो जो है ना बाहर खड़े हुए हैं, उन्हें जो है कोई फ़ोन वगैरह आया हुआ था तो वो बाहर गए हमें सुनने के लिए, अभी जो है रात क्योंकि काफ़ी हो रही है तो उन्हें जो बुलाते हैं वो भी खाना शाना खा लें। अभी जो है खाने का टाइम हो गया, और जो मैंने बनाई थी आलू वो भी खाने में है वो, और साथ में हलीम जो कि फिरोज़ सीसीपी से लेके आए थे। तो अभी जो हम लोग खाना खाते हैं, और हानिया जो है पीछे बैठ के आलू खा रही है, उसे जो रोटी नहीं खानी, वो कह रही है मम्मा मुझे आलू डाल दो मैं वो खाऊंगी, तो उसे मैंने आलू दे दिए, और सुहान जो मेरे साथ आ गई इसको मैं जो यहीं पर ऐसे ही रोटी खिलाऊंगी। तो आज का जो मेरा ब्लॉग था ना वो यहीं तक था, उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह उम्मीद तो है हम लोग शादी में जाएंगे, लेकिन कल ही पता चलेगा फाइनली कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।